अपने गांव में भी आप बता सकते हैं कि गांव में भी और क्या-क्या होना चाहिए। अगर अपने देश में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हम करना चाहते हैं तो वो विचार भी आप बता सकते हो, ताकि वो हायर अथॉरिटीज के पास वो विचार हम पेश कर सके। तो जब हमारी बाल संगठन की जो नेता है आरजू शर्मा, 12th क्लास स्टूडेंट है, ये कुछ बताएगी, अपने विचार पेश करेगी कि स्वच्छता मंत्रालय के अंदर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि स्वच्छता पखवाड़ा 1 सितंबर से 15 सितंबर 2021 के 21 तक चल रहा है। मैं स्टूडेंट कैबिनेट की तरफ से आज आपको स्कूल के द्वारा की गई एक्टिविटीज के बारे में बताने जा रही हूँ। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने डेली स्कूल की क्लासेस एंड ग्राउंड सबकी मिलकर सफाई की है। टॉयलेट, किचन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे न्यू प्लांट लगाए गए हैं। पेंटिंग, ऐसी कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, टॉपिक स्वच्छता एंड कोविड-19 पर बहुत ज्यादा हुए हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। विजुअल मीटिंग्स भी हुई है। टॉपिक कोविड-19 रिस्पॉन्सिव स्कूल कल जानी यस्ट्री डस्टबिन मेकिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और बहुत सुंदर सुंदर डस्टबिन बनाए थे वेस्ट मटेरियल से। स्कूल में प्रेजेंटेशन हुई थी जिसमें हमें बॉडी हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में भी बताया गया। हमें बहुत अच्छा लगा स्वच्छता पखवाड़ा में पार्टिसिपेट करके, और इच्छा करते हैं कि आगे भी ऐसी एक्टिविटीज आती रहें। धन्यवाद।